आ, मेरी पसंदीदा कैंडीज। ओ, ये खाली है। उफ। क्या हुआ बेटा, रो मत, मुझे भूख लगी है। चलो बच्चों, चलते हैं। बड़ा भाई, दादी और शेफ। हुर्रे! मुझे कॉटन कैंडी चाहिए। ओ, मैं समझ गया। क्या? यह एकदम आसान होगा। मैं यहाँ चीनी डालूंगा। कहाँ? उफ, मेरा चश्मा लगभग गिर गया था। ठीक है, मैं भी उसकी तरह करने की कोशिश करती हूँ। ओ नहीं, सब हाथ से फिसल गया। मैंने सब गिरा दिया। खैर, कोई बात नहीं, यह और भी अच्छा है। लेकिन उफ, ओ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कॉटन कैंडी का तूफान है। बस किसी तरह बटन तक पहुंचना होगा। हाँ, सब ठीक तो हो ना? जिंदा हो ना? ऐसा लग रहा है यह। वाह, अब कॉटन कैंडी बनाने की बारी मेरी है। मैं चॉकलेट, कैंडीज और गमी लूंगा। मैं सब कुछ यहाँ रख देता हूँ और अब इसे चालू कर देता हूँ। यह क्या हो रहा है? बिजली ठीक से काम नहीं कर रही है। हर तरफ करंट। डिवाइस बंद नहीं हो रहा है। मुझे करंट लग रहा है। और कैटन कॉटन कैंडी का क्या हाल है? इसके रंग को देखकर ऐसा लग रहा है मानो। बकवास। हाँ बिल्कुल, पर परेशान मत हो। मुझे पता है कि असली मास्टरपीस कैसे बनाना है। पहले अलग अलग कटोरी में चीनी डालें और फिर दही डालें, अच्छी तरह मिलाएं। बस यह एकदम सही है। और अब काम पर लगना है। पहले एक पीली परत, अब गुलाबी और फिर नीली। शेफ की कॉटन कैंडी अब तैयार है। चलो इसे खाकर बताओ, है ना एक मास्टरपीस? अरे वाह, सब कितना सुंदर है। और यह क्या है? यह चॉकलेट जैसा दिख रहा है। यह नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं दादी की कॉटन कैंडी लेना पसंद करूंगी। यह कितनी बड़ी और प्यारी है। बहुत बढ़िया। अरे वाह, रेनबो कॉटन कैंडी। मैं अभी इसे ट्राई करने जा रही हूँ। मैं समझ गई हूँ कि इस राउंड में कौन जीत रहा है। यह शेफ है। हाँ, मुझे पता था। बोन एपेटिट। हाँ, और इस बार मुझे एक जेली भालू चाहिए। आसानी से हो जाएगा। क्या? समझ गई। ठीक है, हम इसे बना लेंगे। मैं अपना फेवरेट साँचा लूंगी और पहले मैं पानी की मात्रा मापूंगी। एक और मग, और अब जेलेटिन, और अब मैं इस सब को अच्छे से मिला देती हूँ। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाना है पहले, और फिर कुछ स्ट्रॉबेरी भी यहाँ डाल देती हूँ, और मैं डाई भी डालूंगी। हाँ, यह ठीक है। सबको अच्छे से मिलाया और इसे सांचे में भर दिया। ठीक है,
और अब इसे फ्रिज में रख देती हूँ। और अब हमें बस इंतजार करना है। अरे यह क्या है? लाल धब्बा? इसे पोंछ देती हूँ। हाँ चलो हो गया। वाह जेली भालू जम गया है, एकदम बढ़िया। अब इसे निकाल लिया सांचे से। जेली भालू चुनौती स्वीकार है। मुझे जिलेटिन के 6 कटोरे और निश्चित रूप से पानी की जरूरत होगी। और अब रंग। जिलेटिन की परतों को बनाने के लिए क्यों ना एक एक्वेरियम की मदद ली जाए। हाँ ऐसा, यह एकदम सही है। इसे परत में लगा दिया और अब इसे पलट देता हूँ। शाबाश। हाँ बस फाइनल टच बाकी है। अब सारे अतिरिक्त भाग को हटा देना है। यह चाकू मेरे काम आ गई। एक माहिर कलाकार अपने काम पर लगा हुआ है। बिल्कुल सही। मैं अच्छा कर रहा हूँ, यह अच्छा तैयार हो रहा है। ओ वाह यह बना मेरा मास्टरपीस। ओ वाह बहुत बढ़िया। ठीक है देखते हैं कौन जीतता है। भालू अब यदि एक और लेते हैं। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। मैं गमी से भालू बनाऊंगा। मैं सारे छोटे छोटे भालू को मिला करके एक बड़ा भालू बनाऊंगा। एकदम सही। हाँ तो लगभग तैयार। किसी ने यह नहीं देखा है? हाँ हमने सब कुछ देखा है डियर। हम तैयार हैं। अरे वाह 3-3 जेली बियर। मैं इससे शुरू करूंगी। बहुत प्यारा और अच्छा स्वाद। मैं बाकी को ट्राई करूंगी। रेनबो बियर ऐसा पहले कभी नहीं खाया। स्वादिष्ट लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मैं बस ऐसा ही चाहती थी। इस भालू को केक की तरह खाया जा सकता है और इसका स्वाद। वाह बस फैसला हो गया, दादी जीत गई। क्या यह सच है? ओह धन्यवाद। यह अच्छा नहीं है। और अब मुझे चाहिए चिप्स। यह हो जाएगा। हाँ यह आसान है। मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है। आलू यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा होगा कि फलों का इस्तेमाल किया जाए। मैं इसे पहले टुकड़ों में काट लूंगी। हाँ दादी सब कर सकती है। यह क्या हो रहा है? अब मैं एक अनानास लूंगी। मुख्य बात यह है कि सब कुछ प्यार से करना है। फॉइल के साथ कवर कर देती हूँ। और तुम कहाँ हो? ओ माफ करना। और अब दादी का लाइफ हैक, मैं आयरन का इस्तेमाल करूंगी। हाँ और चिप्स तैयार है। वाह क्या सुगंध है। यह स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। वाह आयरन नहीं, यह गैजेट ज्यादा अच्छा है। मैं इससे आलू छीलूंगा। आलू लगा दिया, अब इसे अच्छे से छील लेता हूँ। वाह एकदम सही आकार। और अब इसे छिलकर सब एक कटोरी में रखता हूँ पहले। ये छिल गए हैं और अब एक ब्लेंडर में सब कुछ डाल देता हूँ। और अब इससे मैश किए हुए आलू तैयार हो जाएंगे। हाँ देखो यह तैयार है। और अब खूबसूरती से कटोरे में इसे डालना है और फिर
थोड़ा रंग मिलाना है। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। वाह, अब इसे ओवन में डालने का समय आ गया है। बस थोड़ी देर में यह तैयार हो जाएगा। अरे वाह, मुझे भी शुरू करने दो। क्या आप आलू छीलने की बात कर रहे हैं? मैं अभी करूंगा। यहाँ काटा और अब इधर से थोड़ा इधर। उफ, ऐसा लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा ही काट दिया। अब क्या करूं? यह सही रहेगा। इस चिप्स को तो मैं खुद खाना पसंद करूंगा। बोन एपेटिट। वाह, यह नहीं चलेगा। क्या? ठीक है, मैं समझ गया। मैं चॉकलेट और कन्फेक्शनरी स्प्रिंकल डालूंगा। हाँ, इस तरह से इन्हें मिला दूंगा। बस। अरे वाह, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक शेफ का अपना छोटा सीक्रेट होता है? वाह, पहले मैं चीज पिघलाऊंगा। बढ़िया, स्टोव ऑन कर दिया और चीज पिघल गया है। और अब मैं फाउंटेन का उपयोग करूंगा। बिल्कुल सही, चीज फाउंटेन। यह हर किसी का दिल जीत लेगा। वाह, और यहाँ चिप्स हैं। इसे निकाल लिया। वाह, देखो। बॉन एपिटीट। वाओ, सब कितना सुंदर है। चलो, वाह, चलो इस फाउंटेन से शुरू करते हैं। ये बहुत अलग सा है। वाह, मैं खुश हूँ। ओह, कीवी चिप्स, बहुत बढ़िया। यह जा रहा है मेरे मुंह में। हाँ, बहुत बढ़िया। आ, प्रिंगल्स का पैकेट, अजीब है। अरे वाह, चॉकलेट चिप्स, बहुत बढ़िया। मुझे और चाहिए। वाह, इस राउंड में यह जीतेगा। वाह, हाँ, आखिरकार। धन्यवाद। मल्टी रू चैलेंज में ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प चीजों को देखने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहें। हमारे हीरोज आपके मनोरंजन के लिए हमेशा तैयार हैं।